एक बड़ा मुद्दा है कि स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो उन्होंने पढ़ा है उसको कैसे रिलेट करें जहां उनको जाना है, मतलब जहां वो नौकरी पाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे ग्रेजुएशंस को बर्बाद कर देते हैं ऊट पटांग उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके। जिस तरह का जो कंपटीशन है आज मार्केट में, और जिस तरह की स्किल्स बड़ी इंटेंस फोकस्ड आपको चाहिए एक फील्ड में, तो अच्छा होगा यदि बीकॉम की है तो आप उसके बाद या तो एमएफसी एमबीए फाइनेंस करें या एमकॉम करें। यानी कि अपने एक पीजी के को जो आप करने जा रहे हैं उसको देखें कि वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है आपकी पीछे की पढ़ाई से या नहीं हो रहा है, उसको रिलेट करके चलिए। एक नया कोई कोर्स कर लेना और आपका ग्रेजुएशन से उसका कोरिलेशन नहीं है या आपकी क्लास 12 से उसका कोरिलेशन नहीं है, तो एक फोकस नहीं रह पाते हैं आप। बहुत ज़्यादा डाइवर्सीफाई हो जाने की गुंजाइश अब मार्केट देता नहीं है क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जो भी चुनाव कर रहे हैं आगे बढ़ने का कैरियर में, ये देखें कि पीछे आपने जो किया है उससे रिलेट होता है, अदरवाइज़ वो साल फिर ख़राब हो जाते हैं आपके। वो चाहे वो किसी भी फील्ड को ले सकते हैं आप जैसे एक ज़माना था वो कॉम्बिनेशन, मैं समझता हूँ आज भी बड़ा पॉपुलर होगा कि इंजीनियरिंग के बाद हम लोग MBA, ऑलमोस्ट कहा जाता था कि 4+2 हो चुका है इंजीनियरिंग के बाद हमें MBA करना ही होता था। तो मेरा सजेशन बस यही है कि आप ये ज़रूर देखें कि जो गुजरे सालों में आपने क्लास 12वीं की है या आपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ की गई पढ़ाई का और जो स्किल्स हैं उनका कहीं रिलेशन या एप्लीकेशन आगे वाले आने वाली जो आपकी पढ़ाई है उसमें है या नहीं है। ये एक मैं बहुत जनरल बात कह रहा हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल्स या अलग अलग पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, काउंसलर्स को भी टीचर्स को भी बताना होगा स्टूडेंट्स को कि आप रिलेट करें, जो आपके पीछे से एक स्ट्रीम चल रही है उसे डिस्टर्ब ना करें। आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत सारे अच्छे बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैंने सजेशन दिया आप एमकॉम करिए, मत करिए आप एमबीए, और एमबीए कर भी रहे हैं तो आप एमबीए फाइनेंस कीजिए, मास्टर फाइनेंस कंट्रोल कीजिए। ग्रेजुएशन बहुत अच्छा इंजीनियरिंग करने के बाद 2-3 आपने पेपर ह्यूमन रिसोर्स के पढ़ लिए, कुछ इधर के पढ़ लिए, आप महारत हो जाएंगे, वो नहीं संभव हो पाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत जनरल एक बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि वो रिलेट करें ज़रूर, जो उन्होंने पीछे पढ़ा है वो आगे आने वाली पढ़ाई से रिलेट होता है, फोकस्ड होता है, इंटेंसिफाइड होता है या नहीं होता है, तब वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे आगे।